हेलो फ्रेंड्स, एस डी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनटीए ने मुंबई हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। मुंबई हाई कोर्ट ने नीट के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी दो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम से पहले, जबकि एनटीए पहले साफ कर चुका है कि हम रिजल्ट तैयार कर चुके हैं और मुंबई हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि दो स्टूडेंट्स के नीट का पेपर है वो दोबारा से कराया जाना चाहिए। अब इसके रिकॉर्डिंग आज दोपहर में 10:30 बजे से नीट इस मामले में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका शेड्यूल कल के लिए ये कर दिया गया है, क्योंकि आज दोपहर 2 बजे एक स्पेशल ब्रांच की हेयरिंग शेड्यूल पहले से ऑलरेडी फिक्स है, जिसे करवाना सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसका हवाला देते हुए कहा है कि जो भी एनटीए और मुंबई हाई कोर्ट के की जो मामले की जो सुनवाई है वो कल टुमारो होगी, ठीक है। तो यानी आपका जो रिज़ल्ट है वो आज नहीं आने वाला है। अगर ये सुनवाई, अगर फैसला अगर एनटीए के पक्ष में जाता आज ही, तो आज 1 से 2 बजे के बीच में रिज़ल्ट आ सकता था, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। यह वहाँ के द्वारा एक ट्वीट किया गया है और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसको कल के लिए डिले कर दिया गया है। तो कल फिर से सुनवाई होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा कि रिज़ल्ट घोषित किया जाए या फिर दो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम करा के उसके बाद में लिया जाए। अगर कल अगर एनटीए के पक्ष में अगर आता है फैसला, तो कल के कल ही रिज़ल्ट आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। यह आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी।